पैगंबर पर विवादित बयान देने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने नुपुर के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हाथ में पोस्टर बैनर लेकर विरोध कर रहे और नुपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। अभी तक सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज और जम्मू से भी प्रदर्शन की खबर सामने आई है। एक दिन पहले ही नुपुर सहित 33 लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने का मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। मुंबई में भी उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ही उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की है, क्योंकि उन्हें जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही थी। कर्नाटक के बेलगावी में शुक्रवार को फोर्ट रोड पर एक मस्जिद के पास बिजली के तार से भाजपा की नुपुर शर्मा का पुतला लटका मिला। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस मुद्दे ने लोगों में आक्रोश पैदा किया, पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर इसे तुरंत हटा दिया। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में उग्र भीड़ ने नुपुर शर्मा को फांसी दो की तख्तियां बैनरों के साथ प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने प्रदर्शन करने वालों पर कहा कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट का कोई कॉल नहीं था। नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले और अचानक प्रदर्शन करने लगे। हम नहीं जानते कि विरोध करने वाले कौन हैं। मुझे लगता है कि वे AIIM के सदस्य हैं या OVC के आदमी हैं। हमने उनसे कह दिया है कि अगर वे विरोध करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।